हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए, हम एक नए टॉपिक को कर रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। और इसके जितने भी ग्राफ्स होते हैं उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हम इस टॉपिक को करेंगे। आपको पता है हमने बहुत सारे टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमी के कर लिए हैं, अब हम माइक्रो इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको दो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स कर दिया है हमने, टाइप्स ऑफ मार्केट कर दिया हमने। इस क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड कर रहे हैं, फिर थ्योरी ऑफ सप्लाई है, प्रोडक्शन है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी हम लोगों को और करने हैं, ठीक है, वो माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आएंगे। तो थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर हम लोगों को क्या करना है, उससे पहले आप लोगों के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार न्यूज़ मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि मैम हम लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए, जितने भी आपके करंट अफेयर्स की बुकलेट्स आ रही हैं, जो ई पीडीएफ्स आ रही हैं, हमको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए। तो परचम टीम ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया है, आप लोग अब हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हो हमारी परचम क्लासेस ऐप से। आपको क्या करना है, ऑर्डर करना है parchamstore.in पे। जिस भी एस्पिरेंट को हार्ड कॉपी चाहिए 2022 जनवरी टू दिसंबर पूरे करंट अफेयर का हार्ड कॉपी अगर आप लोगों को चाहिए, जिसको हम ईयर बुक कह रहे हैं, तो हार्ड कॉपी अब आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। जो ये शिपिंग है ये 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, आपको प्री ऑर्डर करना पड़ेगा हार्ड कॉपी का, और ये ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और 15 फरवरी से 15th ऑफ फेब से आप लोगों की शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस बुक की शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों के घर तक अब करंट अफेयर हम लोग पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब आप लोगों का झंझट भी नहीं रहेगा कि डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाने जा रहे हो, आपके घर पे ही हार्ड कॉपी हम लोग पहुंचा देंगे। तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हो parchamstore.in से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये जो ऑर्डर है ये अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए अभी बुक जो है हार्ड कॉपी में नहीं है। आप लोग ई बुक खरीद सकते हैं, जिसके बारे में मैं हर बार बताती हूँ। जो ये बुक होगी इसके अंदर क्या क्या होगा, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, बुक्स, ऑथर्स, ऑबिचुरी, स्टेट न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, रैंकिंग, इंडेक्स, फाइनेंस, इकोनॉमी, सब कुछ कवर हो रहा है। पूरे साल के करंट अफेयर आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी हार्ड कॉपी लेना चाहो हार्ड कॉपी लो, आपको इसकी ई कॉपी लेनी है आप इसकी ई कॉपी ऑर्डर कर सकते हो। जैसे भी आपको सहूलियत हो, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इनको परचेज कर सकते हो। और कुछ कोर्सेज के बारे में अगर हम आपको बताएं, तो एसएससी जीए का एक कोर्स चल रहा है परचम क्लासेस पर, जिसके अंदर हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ कवर किया जा रहा है हमारी पूरी टीम के द्वारा। ये बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे, यानी जैसे ही क्लिक करोगे परचेज के लिए आपके हाथ में पूरा सिलेबस होगा, ठीक है। और एक कोर्स चल रहा है, आप लोग देख सकते हो, एसएससी इकोनॉमी का कोर्स है, जिसके अंदर जीरो से लेके हाई लेवल तक की कंप्लीट इकोनॉमी को कवर करवाया जा रहा है मेरे द्वारा। ये भी आपको रिकॉर्डेड मोड में सारी वीडियो मिलेंगी, यानी जैसे ही परचेज किया पूरा सिलेबस आपके हाथ में मिल जाएगा। दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए, देन यूज कोड PIL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आप कोड यहाँ पे देख सकते हो। अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं कि थ्योरी ऑफ डिमांड में अपने को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो अपने को ये शब्द ही समझना है कि डिमांड होता क्या है ना। सबसे पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा डिमांड होता क्या है, पर उससे भी पहले अपने को ये जानना चाहिए कि डिमांड की जरूरत क्या है, डिमांड कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो डिमांड क्या होता है, उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि डिमांड का इफेक्ट क्या होता है। देखिए, बाजार के अंदर दो तरीके की चीजें होती हैं, एक को कहते हैं डिमांड और एक को कहते हैं सप्लाई। अब इसके अलग अलग केसेस होते हैं। अगर आपकी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। सब लोग कह रहे हैं कि हमें तो पायल मैम से ही पढ़ना, हमें तो पायल मैम से ही पढ़ना, मतलब मेरी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, और जो सप्लाई है मतलब मैं नंबर ऑफ क्लासेस है वो कम कर पा रही हूँ, नंबर ऑफ क्लासेस मैं दे नहीं पा रही हूँ। अगर ऐसा केस है, सब कह रहे हैं कि परचम 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 से ही करना है हमने, हमको तो परचम ही बेस्ट है, परचम से ही करना है, यानी परचम की डिमांड बढ़ रही है, और मान लीजिए परचम अगर इतने बच्चों को एनरोल ना करवा सके किसी वजह से, तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, हम अपने कोर्सेज के फीस जो है वो बढ़ा देंगे। ऐसे ही आप फ्रूट्स में देख सकते हो, कोई भी फ्रूट जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन उतना मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसकी सप्लाई कम है, तो उस केस में भी क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेशन कब होगा, जब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, ठीक है। दूसरा केस, डिमांड बराबर सप्लाई, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, तो उस केस में क्या होगा, बैलेंस रहेगा, जितने प्राइस हैं उतने ही रहेंगे, ना ज्यादा हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं। तीसरा जो है, अगर डिमांड जो है लेस देन सप्लाई है,
डिमांड जो है वो लेस देन सप्लाई है, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत सारी है। अब मैं कह रही हूँ यार प्लीज मेरा कोर्स ले लो, प्लीज मेरा कोर्स ले लो, और तुम कह रहे हो नहीं नहीं हमें नहीं लेना। यानी डिमांड है ही नहीं, सप्लाई बहुत ज्यादा है, मैं बहुत सारे कोर्सेज बेच रही हूँ और आप लोग खरीद ही नहीं रहे हो, है ना। तो उसमें क्या होगा, मैं ऐसे करूंगी यार देखते हैं थोड़ी सी फीस कम करके देखते हैं, क्या पता बच्चे एनरोल कर दे। यानी जब डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है उस केस में क्या होता है, उस केस में डिफ्लेशन हो जाता है, उस केस में डिफ्लेशन हो जाता है। तो सिंपल सा अपनी दैनिक दिनचर्या से इन चीजों को रिलेट करके समझोगे तो और ज्यादा अच्छा आपको लगेगा और आसान लॉन्ग टर्म में चीजें चली जाएंगी। कोई भी फ्रूट, जैसे देखो जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है तो जो अनियन है उसके प्राइस गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म के लोग क्या कहने लगते हैं कि भाई अनियन खाया तो ये अच्छा नहीं है नवरात्रि के अंदर। यानी अनियन की जितने भी लोग उपवास करते हैं, अनियन लहसुन इनको छोड़ देते हैं, यानी अनियन और लहसुन की जो डिमांड है वो कम हो जाती है और फ्रूट्स की डिमांड, पोटैटो की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, उपवास में वो खाना पड़ता है। तो इस केस में क्या होगा, जो अनियन के प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे और फ्रूट्स के प्राइसेस जो है नवरात्रि में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई का खेल मार्केट में चलता है। अब अपनी अगली टर्म ये है कि ये डिमांड होती क्या है। पहले मैं आपको लेमन टर्म्स में समझाऊंगी, आसान भाषा में समझाऊंगी, उसके बाद हम समझेंगे डिमांड क्या होता है। देखो जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूँ कि आईफोन है, क्या है, आईफोन है। अब जिस तरीके से फिजिक्स के अंदर हम देखते हैं कि वर्क किसको कहते हैं, वर्क की एक परिभाषा होती है ना, वर्क की एक डेफिनेशन होती है। वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ा है क्लास दसवीं में। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, भाई मान लीजिए मैं इस बोर्ड को, मैं इस दीवार को, मेरे बराबर वाली दीवार को धक्का मारती रहूं मारती रहूं मारती रहूं और ये हिल ही नहीं रही है, कैसे कितना भी मैंने बल लगा लिया, कितना ही मैंने फोर्स लगा लिया, लेकिन ये दीवार जो है जरा भी टस से मस नहीं हुई है, मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो रही हूँ, साइंस कहेगी आपने तो काम ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जी फोर्स भी जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है। अगर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो आपका कहेंगे हम कि वर्क जो है वो जीरो है, आपने कोई काम ही नहीं किया। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी डिमांड के अंदर कुछ डेफिनेशंस बताती है, इकोनॉमी डिमांड के अंदर कुछ डेफिनेशन बताती है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बताती है कि भाई अगर ये फैक्टर हो रहे हैं तभी उसको डिमांड कहेंगे, अदरवाइज उसको डिमांड नहीं कहेंगे। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डेफिनेशन को डिमांड बनाने के लिए। देखो आईफोन है, सबसे पहले तो इसको खरीदने की डिजायर होनी चाहिए, सबसे पहले तो आप में इसको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, नंबर वन, ठीक है। अब डिजायर तो मेरी ताजमहल खरीदने की भी है, तो आपके पास अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, आपकी हैसियत होनी चाहिए उसको खरीदने की, ऐसे नहीं कि सिर्फ इच्छा है और अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं। दूसरा केस क्या है, आपके पास अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए इस आईफोन को खरीदने की। अच्छा जी, अफोर्डेबिलिटी भी है, डिजायर भी है। अब आपको ये नहीं कहना है कि ठीक ठीक लगा ले, होती है ना आदत अपने भारत में महिलाओं की, ठीक ठीक लगा लो, तो ठीक ठीक लगाना कहना मना है। यानी डिमांड क्या कहती है कि अगर आप गिवन प्राइस पे, अगर आप गिवन प्राइस पे किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, किसी चीज की डिजायर और अफोर्डेबिलिटी दिखा रहे हैं तभी उसको हम डिमांड कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अच्छा अब क्या हुआ, मुझे एक बंगला पसंद आ गया, मुझे बंगला तो पसंद आ गया और मैं कह रही हूँ कि मैं ना इसको 25 साल के बाद खरीदूंगी, 25 साल के बाद मेरी अफोर्डेबिलिटी होगी, 25 साल के बाद मैं इसकी डिजायर करूंगी, आज नहीं कर रही, तो इसमें क्या होगा, वो 25 साल के बाद की डिमांड मानी जाएगी, आज की नहीं। तो अगर आज की डिमांड अगर आपको कोई चीज परिभाषित करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी टाइम की बात हम कर रहे हैं, एट गिवन टाइम हम उसी टाइम की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने कोई चीज आज पसंद कर ली और उसको 10 साल के बाद खरीद रहे हो और इकोनॉमिक्स तुमको आज की डिमांड में काउंट कर लेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो डिमांड है उसकी डिजायर होनी चाहिए किसी भी गुड या सर्विस की, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, गिवन प्राइस पे आपको खरीदना पड़ेगा और गिवन टाइम पे आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब मेरी ना डिजायर भी थी, भगवान की दया से मेरी हैसियत भी थी इसको खरीदने की, मैंने उसी दाम पे खरीद लिया और उसी समय खरीद, लेकिन अब खरीद के ना मुझे उसका यूटिलिटी नहीं लग रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो भी इकोनॉमिक्स कहेगी आपकी डिमांड डिमांड नहीं है। यानी पांचवी और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, सेटिस्फैक्शन, वो चीज लेके आप सेटिस्फाई भी होने चाहिए, यानी आपकी यूटिलिटी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को लेके, यूटिलिटी होनी चाहिए यानी कि सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम ये यूटिलिटी क्या होता है। देखो पहले यूटिलिटी को समझ लीजिए, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स
डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन, आप किसी चीज से कितना संतुष्ट हो रहे हो, कितना सेटिस्फाई हो रहे हो, उसको ही उसका यूटिलिटी कहते हैं। ये नेचर में नेगेटिव होता है। क्यों? अगर किसी चीज का कॉन्टिन्यू आप यूज करते जाओगे तो आपको ना उसके अंदर कम मजा आने लग जाएगा, आप सेटिस्फाई पहले की तुलना में कम होने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आप बहुत भूखे हो, बहुत तेज आपको भूख लगी है, आपने पहली रोटी खाई, 4 दिन से आपने कुछ नहीं खाया था, आपको पहली चपाती मिली, आप पहली रोटी मिली, आपने पहली रोटी खाई, आपको ना ऐसे अच्छी वाली फीलिंग आएगी, मतलब कि तृप्त हो गए आप, ऐसी फीलिंग आई। अब आपने दूसरी रोटी खाई, अब पहले की कंपेयर में कम अच्छा लगा, अब आपने तीसरी रोटी खाई, अब और कम अच्छा लगा, अब आपका पेट भर चुका है, अब कोई आपको चौथी रोटी भी कोई जबरदस्ती आपके मुंह में ठूस दे तो आप वॉमिट कर दोगे, यानी अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है। किसी भी चीज के कॉन्टिन्यूअस यूज से जो यूटिलिटी है वो नीचे गिरती जाती है, कम होती जाती है, सेटिस्फैक्शन कम होते जाता है। बहुत चिलचिलाती धूप में आप आए हो, जून जुलाई की गर्मी है नॉर्थ इंडिया की, और बिल्कुल गिलास एक ठंडा ठंडा पानी या शरबत मिल जाए आपको, ऐसे आत्मा बिल्कुल वो अंदर से आह निकलती है, अंदर से बिल्कुल ऐसे शांति मिलती है, हाईएस्ट यूटिलिटी। अब तुमको एक गिलास पानी और मिल गया, अब पहले से कम अच्छा लगा, तीसरा गिलास पानी और मिल गया, अब अच्छा नहीं लगा क्योंकि पेट भर चुका है, चौथा गिलास और कोई जबरदस्ती पिला रहा है तो अब आप वॉमिट कर दोगे, यानी यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई। पहली गाड़ी जिंदगी की जब तुम खरीदोगे बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी गाड़ी नॉर्मल है कोई बात नहीं, पहले भी थी हमारे पास एक गाड़ी, तीसरी गाड़ी कहोगे चल ठीक है वहां पार्क कर दे। यानी क्या हो रहा है, जब आप किसी एक चीज का कॉन्टिन्यूअस यूज करते जा रहे हो बिना उसकी क्वालिटी चेंज किए, बिना उसका नेचर चेंज किए, एज इट इज चीज को आप कॉन्टिन्यूअस अगर यूज करते जा रहे हो तो उसकी यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। तो डिमांड क्या कहती है कि आपके पास 5 चीजें होनी चाहिए, किसी भी चीज की डिजायर, उसकी अफोर्डेबिलिटी, गिवन प्राइस पे, गिवन टाइम पे, और यूटिलिटी भी उसकी होनी चाहिए। ये 5 चीजें किसी भी चीज की डिमांड को बनाती है। ठीक है, तो एक बार हम अपनी स्लाइड को देख लेते हैं, स्लाइड क्या कह रही है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, डिजायर, अफोर्डेबिलिटी, गिवन टाइम, गिवन प्राइस और यूटिलिटी। ठीक है, अच्छा एक बात को बताओ, डिमांड जो है वो कंज्यूमर करेगा या प्रोड्यूसर करेगा? कंज्यूमर करेगा ना। जब भी आप डिमांड को पढ़ोगे तो वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, और जब भी आप सप्लाई को पढ़ोगे, सप्लाई कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा या प्रोड्यूसर करेगा? प्रोड्यूसर करेगा। जब भी आप सप्लाई को पढ़ोगे तो आपको प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जब भी आप डिमांड पढ़ रहे हो तो आपको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें सोचनी है। तो आई होप आपको डिमांड की जो परिभाषा है वो समझ आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, फिर से अब अपना देसी तरीका समझने का, और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, बाकी चीजों को कॉन्स्टेंट रखते हुए। ये बाकी चीज क्या है इनको देखेंगे, बाकी फैक्टर्स कौन से हैं इनको देखेंगे। अगर आप प्राइस को इंक्रीज करते जाओगे तो जो डिमांड है वो कम होती जाएगी, अगर आप प्राइस को इंक्रीज करते जाओगे तो डिमांड है कम होती जाएगी। अदर फैक्टर्स में क्या आ गया, जैसे मेरी इनकम, मैं पहले भी 50,000 रुपये महीना कमा रही थी, मैं आज भी 50,000 रुपये महीना कमा रही हूँ, मेरी इनकम कॉन्स्टेंट है, इनकम नहीं बदली है। पहले कोई चीज़ 20,000 की आ रही थी, मैं 2 आइटम्स ऑर्डर कर देती थी, भाई ठीक है मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, 20,000 रुपये की 1 आइटम है, मैं 2 आइटम बोल देती थी। अब मान लीजिए उस चीज़ के प्राइस 35K हो गए, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो मैं क्या करूँगी, नाना भाई अब 2 नहीं एक ही आइटम दे दे, मेरे को 2 नहीं चाहिए, मुझे एक ही आइटम, एक ही प्रोडक्ट दे दो। यानी जैसे ही प्राइस बढ़ा किसी चीज़ का, मैंने जो डिमांड है वो कम कर दी। कब? जब मेरी इनकम कांस्टेंट थी, यानी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, तब प्राइस बढ़ने पर डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है चलो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। यहाँ पे हम लोग प्राइस और डिमांड का ग्राफ देखते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा डिमांड वैसे वैसे कम होगी। प्राइस कम है, मैंने डिमांड ज़्यादा कर दी, प्राइस बढ़ा मैंने डिमांड थोड़ी कम कर दी, प्राइस और बढ़ा मैंने डिमांड और थोड़ी कम कर दी, प्राइस और बढ़ा मैंने डिमांड और थोड़ी कम कर दी। मतलब क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा।
कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। यानी ये कैसे स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, मैं अगर आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं तो आप झूले पे ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हो, आप अगर यहाँ पे बैठ गए तो आप नीचे की तरफ आ रहे हो। पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, ऐसे, इसको पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। ये क्या होता है, डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोप वाला होता है, हमेशा नेगेटिव स्लोप वाला होता है, ठीक है। प्राइस और डिमांड में ये ग्राफ बनता है कि जब किसी चीज के दाम 10 रुपए थे तो आप उसकी 5 यूनिट ऑर्डर कर देते थे, जब किसी के दाम 20 रुपए हुए तो आपने उनकी 4 यूनिट ऑर्डर करना शुरू कर दिया, जब किसी चीज के दाम 30 रुपीज हुए तो आपने 3 यूनिट ऑर्डर करना शुरू कर दिया, जब 40 रुपीज हुए तो आपने 2 यूनिट ही ऑर्डर करना शुरू कर दिया। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे आप डिमांड को कम कर रहे हो, इस वजह से इसकी नेगेटिव स्लोप आप लोगों को दिखाई दे रही, ठीक है। ये अभी अधूरा लॉ है। ओम्स लॉ पढ़ा होगा ना आपने फिजिक्स के अंदर, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल्स टू वाई आर कहता है ना, वी इज इक्वल्स टू वाई आर, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये कहता है। लेकिन इसकी शर्त क्या है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट करोगे तभी ये कानून फुलफिल होगा, अदरवाइज ये लॉ जो है वो फेल हो जाएगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ डिमांड में मैं आपको कह रही हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड कब पूरा होगा, कब फुलफिल होगा, जब बाकी फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रखो और प्राइस को वेरी कर रहे हो। तो ये बाकी फैक्टर्स कौन से हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग प्राइस डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्रीज कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। ये ग्राफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ग्राफ जो है नेगेटिव स्लोप में आपको दिखाई दे रहा है। ये अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले इनकम, फिर है टाइम, फिर है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, फिर है टेक्नोलॉजी। मैं आपको ना इसका कॉन्ट्राडिक्शन समझाती हूँ भाई। जैसे मान लीजिए अगर मैं इन चीज़ों को कॉन्स्टेंट नहीं रखती, मान लो मैं अगर इन चीजों को कांस्टेंट नहीं रखती हूं तो क्या होगा, मैंने इनकम को कांस्टेंट नहीं रखा, क्या तब भी ये कानून जो है वो पूरा होगा, उसको देखते हैं, ठीक है, एक बार देखते हैं। देखिए मान लो एक एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर 33,000 का आ रहा है, 33,000 का एयर कंडीशनर है, मेरी सैलरी जो थी, मेरी इनकम जो है 70,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है, 70,000 रुपये पर मंथ है। मैंने क्या किया, 2 AC ऑर्डर कर दिए, मैंने 2 AC ऑर्डर कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं मेरी इनकम को कांस्टेंट नहीं कर रही हूं। मैं आपको ये कानून फेल होता हुआ समझाना चाहती हूं कि अगर आपने बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट नहीं रखा तो जो ये नियम है, जो ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये कैसे फेल होगा, मैं आपको वो बता रही हूं। अब मैंने क्या किया, जो एसी के प्राइस है, मैंने प्राइस राइज कर दिए। मैंने एसी के दाम कितने कर दिए, मैंने मान लीजिए 60,000 एसी का प्राइस कर दिया, एयर कंडीशनर का प्राइस कितना कर दिया, 60,000 कर दिया। अब मुझे डिमांड जो है अपनी कम करनी चाहिए, लेकिन मैं डिमांड कम नहीं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि अब मेरी जो सैलरी है, सैलरी मेरी 2 लाख पर मंथ हो गई। कितनी हो गई मेरी इनकम, 2 लाख पर मंथ। मैं अब भी यही कहूँगी कि 2 AC भेज दो भाई। आप कहोगे मैडम आपने तो ऐसा कहा था कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन आपने तो डिमांड कम नहीं की, पहले भी आप 2 AC ऑर्डर कर रहे थे, आज भी 2 AC ऑर्डर कर रहे हो। मैंने साथ में ये भी कहा था कि ये जो प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होगी, कब होगी, जब मेरी इनकम कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने इनकम कांस्टेंट नहीं रखी, तो इस वजह से जो ये नियम है, जो ये कानून है, लॉ ऑफ डिमांड है, ये फेल हो गया। तो अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को फुलफिल करवाना चाहते हो तो आपको इनकम कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। एक फैक्टर इनकम हमको समझ आ गया। अब हम टाइम की बात करते हैं, ठीक है। टाइम किस तरीके से एक फैक्टर बनता है जिसको कांस्टेंट रखने से ही ये नियम फुलफिल होगा। मान लीजिए एयर कंडीशनर जो है 33,000 का है, ठीक है, लेकिन आज मेरी सैलरी जो है वो 10,000 रुपये मंथली ही है, मैं इसको ऑर्डर नहीं कर सकती, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर टेन ईयर्स जो एसी है वो 40,000 का हो गया। कितने का हो गया, 40,000 का हो गया, और 10 साल के बाद मैं इसको आराम से खरीद पा रही हूँ, क्योंकि मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो रही है। मतलब जैसे ही टाइम बढ़ा, आपने उसकी कीमत बढ़ने पर भी उसकी डिमांड कर दी, क्योंकि हो सकता है टाइम बढ़ने के साथ आपकी जो हैसियत है वो बढ़ जाए, आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए। यानी टाइम को भी अगर आप कांस्टेंट रखोगे तभी ये नियम पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला फैक्टर क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। मैं इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ।
मान लीजिए चाय है और कॉफी है, चाय है और कॉफी है। चाय पहले 10 रुपए का एक कप आ रहा था, पर कप 10 रुपए का, और कॉफी थी 25 रुपए पर कप। कॉफी थी 25 रुपए पर कप, ठीक है, पर कप 25 रुपए थी, पर मग कह दो, पर कप कह दो, 25 रुपए पर कप। मैं चाय की बहुत ज्यादा डिमांड करती थी। अब चाय जो है मान लीजिए वो हो गई 20 रुपीज पर कप, मतलब इसके प्राइस जो है वो राइज हो गए, इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, 10 से 20 पे आ गया है, मुझे इसकी डिमांड कम कर देनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जो कॉफी है वो 50 रुपए की हो रही है, 50 रुपए पर कप हो रहा है कॉफी। तो मैं क्या करूंगी, मैंने कहा यार भाई छोड़ कॉफी काफी, मेरी तो चाय ही ला दी। मतलब मैंने क्या किया, मैंने जो डिमांड है चाय की कम होनी चाहिए थी वो नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि जो इसका रिलेटिव गुड था, जो कॉफी था इसका जो रिलेटिव गुड था या सब्स्टिट्यूटिव गुड था, जो इससे संबंधित गुड है, उनके प्राइस इससे भी ज्यादा महंगे हो रहे हैं। मतलब अगर हम इनके प्राइस को कांस्टेंट नहीं करते हैं तो भी हमारा मांग का नियम जो है वो खराब हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड खराब हो जाता है। तो अपने को तीसरा फैक्टर ये भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हर फैक्टर अगर कांस्टेंट रहता है तभी लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल होगा, अदरवाइज ये फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड फेल कहाँ हो जाता है, एक्सेप्शंस क्या है इसकी, कहाँ कहाँ लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, यानी प्राइस बढ़ने पर भी कहाँ कहाँ ऐसा होगा कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। सबसे पहले तो कोई वॉर है, कोई इमरजेंसी है, कोई एपिडेमिक आ गया है, जैसे अभी कोरोना आया था तो लॉकडाउन लग गया था, महंगे दाम में भी आप लोगों ने महंगे दाम में भी बहुत ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन आपने 2-2 लाख का भी खरीदा है। क्यों, क्योंकि क्योंकि इमरजेंसी थी, क्योंकि एपिडेमिक जैसी परिस्थिति है, पता नहीं हालात क्या हो जाए। महंगे दामों में भी आपने सब्जी खरीदी, आपको ये लगता था कहीं मंडी फिर खुली ही ना, तो है ना, कहीं फिर हमें सब्जी मिली ही ना तो हम तो भूखे रह जाएंगे। तो कम महंगे दामों में भी आपने डिमांड को बढ़ाया, क्यों, क्योंकि इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी। अब यूक्रेन के अंदर, जैसे रशिया यूक्रेन के अंदर लड़ाई हो रही है, तो यूक्रेन के अंदर अगर कुछ ऐसा हो जाए कि बंदा बाहर निकला है, ठीक है, आटा लेने गया है, वो आटे का दाम 5 गुना रेट पे मिल रहा है, तो वो वहां बार्गेनिंग थोड़ी ना करेगा, खड़ा हो गया यार मेरे को थोड़ा सस्ता दे दो, जितने का मिल रहा है ले आएगा, उसको पता है क्या पता आगे मैं खरीद भी पाऊं या ना खरीद पाऊं। यानी वॉर एपिडेमिक जैसी सिचुएशन में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है, व्यक्ति उस समय प्राइस की कीमत नहीं देखता है, मतलब प्राइस को मैटर नहीं रखता है। उसके बाद हैबिचुअल गुड्स, आपकी आदत है कोई, आप वो चीजें महंगी भी हो जाए तो भी आप उसको खरीदोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको आदत है कोलगेट से ब्रश करने का, आपको आदत है कोलगेट से ब्रश करने का, और जो पेप्सोडेंट है वो बहुत ही सस्ता हो गया है, पेप्सोडेंट जो है काफी चीप हो गया है, काफी सस्ता हो गया है, लेकिन कोलगेट जो है वो महंगा ही होता जा रहा है, इसका जो प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है, आप फिर भी कोलगेट ही मांगोगे, आप फिर भी कोलगेट ही खरीदोगे, बिकॉज ये आपकी हैबिट है, आपको और कोई पेस्ट का टेस्ट अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये आपकी हैबिट है। ठीक है, जो ये बीड़ी सिगरेट पीते हैं इनकी फीलिंग कभी पूछ के देखना, कितनी भी महंगी इनकी बीड़ी सिगरेट हो जाए ये खरीदेंगे, ऐसे ही जो शराब पीते हैं कितना भी महंगा हो जाए वो खरीदेंगे, बिकॉज हैबिचुअल गुड्स है, हैबिट है उनको। ठीक है, उसके बाद इग्नोरेंट होते हैं कुछ लोग, पूछते ही नहीं कोई चीज कितने की है। लड़कियां ऑटो में बैठने से पहले भैया कितने लोगे, बॉयज क्या करते हैं ऑटो में बैठ गए उतर गए और फिर पूछते हैं कितने बने, है ना, ये नेचर होता है, इनबिल्ट होता है ये नेचर। इग्नोरेंट होते हैं कुछ लोग, प्राइस बढ़ रहा है बढ़ने दो, घट रहा है घटने दो, अपने को सामान मिलने से मतलब है, यानी जब प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी दुनिया डिमांड करती है, जो लोग इग्नोरेंट है जिसको पैसे से मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद फैशन या ट्रेंड, कोई चीज ट्रेंड में है, कोई चीज फैशन है, जैसे बीच में बुलेट बाइक का ट्रेंड चला था बहुत ज्यादा, आज भी है। ठीक है, कोई गाड़ी का ट्रेंड चला है, चीजें महंगी भी हो रही है तो भी उसको खरीदेंगे, कि ब्लैक में चल रहा है लेकिन फिर भी हम तो खरीदेंगे क्योंकि फैशन है उसका ट्रेंड चल रहा है। तो फैशन और ट्रेंड के समय भी प्राइस को नहीं देखा जाता, दुनिया डिमांड करती रहती। वेबलन गुड्स और गिफिन गुड्स, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वेबलन गुड्स क्या होते हैं और गिफिन गुड्स क्या होते हैं। गिफिन तो जितने भी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जैसे जो हाईली एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, ऑडी है, मर्सिडीज है, ठीक है, डायमंड है, व्हाइट गोल्ड है, प्लैटिनम है, यहाँ पे क्या देखता है इंसान, या इस कैटेगरी के अंदर वही लोग जाएंगे जो सुपर रिच लोग हैं,
और उनको 5-7 हज़ार रुपये बढ़ने से कोई मतलब पड़ता भी नहीं है। बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें वो खरीदते हैं, वो खरीदते ही इसीलिए हैं क्योंकि कोई और उसको खरीद नहीं पा रहा है, क्योंकि वो हाईली एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। अंबानी टाइप के लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, यानी जो गिफन गुड्स है ये प्राइस बढ़ने पर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि टाइप्स ऑफ गुड्स इसी प्लेलिस्ट के अंदर टाइप्स ऑफ गुड्स पे जाओ, वहां वेबलन और गिफन गुड्स को समझो। ऐसे ही वेबलन गुड्स जो है वो इसका एक एग्जांपल है, ये काफी इंफीरियर गुड्स होती है लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ने पे लोग इनकी डिमांड जो है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं गिफन और वेबलन, फिर से समझा के मैं समय नहीं खराब करना चाहती। टाइप्स ऑफ गुड्स की वीडियो देखो और वहां गिफन और वेबलन का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा ये 6 केस ऐसे हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है। अब अगला टर्म इसके अंदर आता है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इन डिमांड। इलास्टिसिटी क्या होता है, सबसे पहले देखो इलास्टिसिटी होता क्या है। किसी भी चीज में जब चेंज का स्कोप हो उसको हम कहते हैं ये चीज काफी इलास्टिक है। इलास्टिसिटी जैसे पेन है, मैं इसको तोड़ मरोड़ नहीं सकती हूँ, ये इन इलास्टिक है, ये चेंज नहीं हो सकता, इसमें कोई चेंज की स्कोप नहीं है। ठीक है, ये अगर रबड़ का होता मैं इसको स्ट्रेच कर सकती थी, मैं इसको बेंड कर सकती थी, मैं इसकी शेप में चेंज कर सकती थी, मैं इसको कहती है इलास्टिक है। तो कोई भी चीज लचीली कब होती है, जब उसके अंदर चेंज का स्कोप हो, ठीक है, उसके अंदर बदलाव का स्कोप हो, उसको हम कहते हैं वो चीज हाईली इलास्टिक है या ठीक है या लचीली है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, जहां पे चेंज का स्कोप हो, जहां पे चेंज का स्कोप हो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, और कितना चेंज हो रहा है उसको हम इलास्टिसिटी कह रहे हैं। अब तुम एक बात को समझना, देखो इलास्टिसिटी को हम दिखाने के लिए ईडी से ये इसका सिंबल होता है, ये क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी इन डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी इन डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी इन डिमांड क्या कहता है ये ईडी, इसको समझो, ये कहता है कि कितने प्रतिशत परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। आपका प्राइस कम या ज्यादा होने से आपके डिमांड के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब आप खुद सोचो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। आप कहोगे मैम ये तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो आप उस नेगेटिव को नलीफाई करने के लिए एक नेगेटिव और लगा दो। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला बन गया आपका इलास्टिसिटी इन डिमांड का, कितना आपका प्राइस चेंज हो रहा है और उस प्राइस चेंज की वजह से कितना आप डिमांड में बदलाव कर रहे हो, ये होता है इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिसिटी इन डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग 200 रुपये का एक पिज्जा आ रहा है, एक पिज्जा 200 रुपये का आ रहा है। ठीक है, आप रोजाना एक पिज्जा खा जाते हो, रोजाना एक पिज्जा। अब यही पिज्जा मान लीजिए 600 रुपये का हो जाए, अब आप क्या करोगे, आप 3 दिन में एक पिज्जा मंगवाने लग जाओगे, 3 दिन में एक पिज्जा, मतलब आपने डिमांड को कम कर दिया। जैसे ही प्राइस में बदलाव आया आपने अपनी डिमांड को कम कर दिया, ये क्या हो गया, ये चेक करेंगे कि ये इलास्टिक कितना है, इलास्टिसिटी कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इलास्टिसिटी के बारे में जाना। अब ये जो इलास्टिसिटी है ये 5 तरीके की होती है। ठीक है, सबसे पहली होती है आपकी यूनिट, सबसे पहले होती है आपकी कुछ चीजें होती है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती नहीं है। फिर होती है लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। ठीक है, फिर होता है यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। फिर उसके बाद होता है मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक। और फिर होता है परफेक्टली इलास्टिक, फिर क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। ये 5 तरीके की चीजें अपने को पढ़नी है। इन इलास्टिक में जो आपका ईडी होगा वो 0 होगा, लेस इलास्टिक में लेस देन 1 होगा, यहाँ इज इक्वल्स टू 1 होगा, यहाँ मोर देन 1 होगा, और यहाँ जो है वो इनफाइनाइट होगा। इस तरीके से ये 5 होते हैं, हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ इन इलास्टिक का, किसका, इन इलास्टिक का। ठीक है, यहाँ है प्राइस, यहाँ है डिमांड, और ये मैंने इन इलास्टिक का ग्राफ बना दिया। पहले मैं सिर्फ ग्राफ बना रही हूँ और फिर उसको मैं आपको समझाने के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दूंगी डेली लाइफ के, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। ये देखो प्राइस में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया और डिमांड में इतना कम बदलाव आया। तीसरा, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ,
चौथा ग्राफ। एक एक करके सब समझेंगे, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगानी है, दिमाग भी क्या, कॉमन सेंस जो आप सब लोगों में भरी पड़ी है। देखो एक एक करके सब समझते हैं। सबसे पहला ग्राफ देखिए आप लोग, सबसे पहला ग्राफ आपको ये दिखाई दे रहा है। यहां पे क्या है, यहां पे ये प्राइस दिख रहा है आपको, ये डिमांड दिख रही है आपको, ठीक है, प्राइस एंड डिमांड। ये किस चीज का ग्राफ है, ये इन इलास्टिक ग्राफ है, इन इलास्टिक ग्राफ है। आपको प्राइस को किससे रिलेट करना है, आपको प्राइस को थप्पड़ से रिलेट करना है, थप्पड़ यानी कि स्लैब, ठीक है, आपको थप्पड़ से रिलेट करना है। और डिमांड को आपको रिलेट करना है किससे, आपके रिएक्शन से, किससे, आपके रिएक्शन से, यानी आपकी प्रतिक्रिया से रिलेट करना है। अब अगर मैं प्राइस और डिमांड का देखूं रिलेशन पहले ग्राफ में, तो आप ये देखो प्राइस कम है तो भी डिमांड उतनी है, प्राइस बढ़ गया तो भी डिमांड उतनी है, प्राइस और बढ़ गया तो भी डिमांड उतनी है। यानी थप्पड़ तेज लगे या कम लगे, हम ज्यों के त्यों खड़े हैं, हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आप समझ सकते हो थप्पड़ किसने मारा होगा, पापा ने मारा है, ठीक है, मतलब हम वापस थोड़ा ना मारेंगे उनको, या कोई रिएक्शन थोड़ा ना देंगे कि कैसे मार दिया आपने हमें, हैं, या उल्टा मार रहे हो आप। संस्कारी बच्चों की बात हो रही है ना, तो यानी कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, जो प्राइस है वो चाहे कम है चाहे ज्यादा है, जितना डिमांड हम करते हैं करते ही रहेंगे। लाइक सॉल्ट, अगर सॉल्ट सस्ता हो गया तो ऐसा नहीं है कि एक कटोरी सब्जी में आप मुट्ठे भर भर के डाल रहे हो, और अगर सॉल्ट जो है वो महंगा हो जाए तो ऐसा नहीं है हम फीकी सब्जी खा रहे हैं, जितना हमको चाहिए उतना हमको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये इन इलास्टिक है, और यहाँ पे जो ईडी होता है वो जीरो होता है, ठीक है। मैं बता नहीं रही हूँ अभी खोल के कि ईडी जीरो कैसे आया, आप अगर उस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे प्राइस तो चेंज हुआ है, लेकिन डिमांड की जगह चेंज इन डिमांड में जीरो पुट करोगे तो ईडी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब हम दूसरे ग्राफ पे चलते हैं। दूसरा ग्राफ क्या कह रहा है, ये है लेस इलास्टिक ग्राफ। ये क्या है, ये है लेस इलास्टिक ग्राफ, स्टीप सा कर्व इसका होता है। ये है मान लीजिए P1, ये है D1, यहाँ पे है P2, दिस इज D2। अब देखो प्राइस में इतना ज्यादा बदलाव आया, प्राइस में इतना ज्यादा बदलाव आया, और डिमांड में केवल इतना सा बदलाव आया, डिमांड में केवल इतना सा बदलाव आ रहा है, ठीक है, और प्राइस में इतना ज्यादा बदलाव आ रहा है, मतलब थप्पड़ तो तेज पड़ा था पर रिएक्शन थोड़ा सा दिया, बड़े भाई ने मारा था, बड़े भाई को क्या कहते हो, देख लेंगे तुम्हें, तुम रुक जाओ, हमारे दिन आने दो तुम, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, प्राइस में तो तेजी से बदलाव आया बट डिमांड में थोड़ा सा बदलाव आया, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये लेस इलास्टिक है, कम लोच है इसके अंदर, कम इलास्टिसिटी है। प्राइस तेजी से बढ़ा बट फिर भी हमने डिमांड को उसके रिस्पेक्ट में कम कम किया है, ठीक है। जैसे पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, ऐसा थोड़ा ना कि आप लेना ही बंद कर दोगे, बिल्कुल ही डिमांड कम कर दोगे। हाँ ठीक है, चार गेड़ियों की जगह एक गेड़ी में काम कराएंगे हम, है ना। यानी कि कहने का भाव क्या है कि पहले की तुलना में कम कर देंगे बट ऐसा नहीं है जीरो कर देंगे। प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा बट डिमांड हमने उतनी तेजी से कम नहीं की, लेस इलास्टिक। तीसरे केस में थप्पड़ मार रहे हमारे दोस्त, जितना इंटेंसिटी का पड़ा उतना इंटेंसिटी का जवाब दिया, यानी यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। यहाँ पे जो ईडी है वो क्या आ जाएगा, वो वन आ जाएगा। जितना आपका प्राइस में बदलाव उतना ही डिमांड में बदलाव, बिल्कुल इक्वल, ठीक है। इक्वालिटी का रिश्ता होता है अपना दोस्ती के अंदर, एक मारा एक खाएगा दोस्त, उतना ही इंटेंसिटी का थप्पड़ हम भी मारते हैं बदले में। यानी ये क्या है, ये यूनिट इलास्टिक है। जो भी आपकी डेली लाइफ की चीजें हैं, जैसे शर्ट पैंट शूज आप ले रहे हो, प्राइस ज्यादा है तो कम खरीद लोगे, कम है तो ज्यादा खरीद लोगे, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मल गुड्स सारी इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आप केस देख रहे हो मोर इलास्टिक। ये क्या है, मोर इलास्टिक मतलब कि आपने रिएक्शन ज्यादा दे दिया। देखो प्राइस में तो इतना सा बदलाव हुआ था, आपने रिएक्शन देखो कितना दे दिया, दिस इज प्राइस दिस इज डिमांड। जैसे छोटे भाई की थोड़ी सी आपसे पाँव भिड़ गया, है बेड पे बैठे हो, छोटे भाई का थोड़ा सा क्या पाँव भिड़ गया, तुमने उसको बिल्कुल ऐसे कुटाई कर दी, अच्छे वाली धुलाई कर दी तुमने उसकी, अच्छे वाली कि तुमने हमें मार कैसे दिया, है ना, बेचारे की गलती से थोड़ा सा पाँव भिड़ा था। यानी जरा सा क्या प्राइस चेंज हुआ, आपने इतना ज्यादा डिमांड के अंदर रिएक्शन दिखा दिया। ये होता है गोल्ड जैसी चीजों में, थोड़ा सा क्या कम हुआ दुनिया स्टॉक करने लग जाती है कि अब तो सस्ता हो गया खरीद लो खरीद लो। तो यहाँ पे जो ईडी है आपका वो मोर देन वन आ जाएगा, ये मोर इलास्टिक वाली चीजें हैं। उसके बाद बारी आ जाएगी आपकी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक ये होती है भाई चलती फिरती FIR, परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे जो प्राइस है
वो ना के बराबर चेंज हो रहा है, इतना कि मैं शो भी नहीं कर रही हूँ, ना के बराबर। लेकिन आप देखो डिमांड जो है वो कितनी तेजी से बदलती जा रही है, डिमांड कितनी तेजी से चेंज होती जा रही है, प्राइस ना के बराबर चेंज हुआ है। ये होता है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली चीज़ों में होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली चीज़ों में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ऐसा होता है कि प्राइस ना के बराबर चेंज हुए हैं और डिमांड जो है वो तेजी से बढ़ा दी है। यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से चेंज का स्कोप है यहाँ पे। तो ये हमने इलास्टिसिटी को और पढ़ लिया, एक बार स्लाइड में देख लेते हैं। इलास्टिसिटी क्या है? रेशो है ये कि कितना आपने क्वांटिटी जो सप्लाई है, क्वांटिटी डिमांड है, कितना चेंज हुआ है प्राइस में चेंज आने से। पांच तरीके के होते हैं, परफेक्ट इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, ये पांचों ग्राफ मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी इसको देख सकते हो। उसके बाद हम एक एक करके नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एक करके नहीं पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आप लोग इसको स्लाइड देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल वही चीज़ें बताई हैं जो स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम MCQ पे आते हैं। पहला MCQ क्या कह रहा है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज। ये क्या कह रहा है कि मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस इंक्रीज होने पर क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होने पे जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे थे वो क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ऑप्शन ए जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? इंक्रीज इन डिमांड कैन अकर ड्यू टू। डिमांड में इंक्रीज कब होगा, किस वजह से होगा? अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज इन सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, या ऑल ऑफ दिस। अब देखो, अगर इनकम कंज्यूमर की बढ़ रही है तो भी वो डिमांड बढ़ाएगा। अगर उससे जुड़ने वाली चीज़, मान लीजिए कार है, ठीक है, मान लो पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया, कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। एक बार जाके टाइप्स ऑफ गुड्स देखना, फिर ये और अच्छे से समझ आएगा। कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, अगर पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया तो आप लोग कार की डिमांड को बढ़ा दोगे। आप लोग क्या करोगे? कार की डिमांड को बढ़ा दोगे। यानी कहने का मतलब क्या है? इंक्रीज इन डिमांड कैन अक्कर ड्यू टू, किस वजह से इंक्रीज इन डिमांड हो रही है? सेकंड वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सब्स्टिट्यूट प्राइस के, जो सब्स्टिट्यूटिव गुड्स के जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, तो चाय की जो कीमत बढ़ने पर भी आप लोग इसकी डिमांड को बढ़ाते रहोगे। यानी सभी केसेस बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड हम किसके परस्पेक्टिव से देखते हैं? मैंने आपको बताया कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि डिमांड कर्व कैसा होता है? लेवल होता है, इररेगुलर होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? आपको बताना है लॉ ऑफ डिमांड की शेप कैसी है, कैसा होता है। आई होप आप लोग इसका आंसर करेंगे और मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।